आजादी के 70 सालों बाद भी आदिवासी ग्रामीण को मूलभूत सुविधाओं की दरकार है। आंकमेटा नदी में भारी बारिश के कारण नदी में उफान आने से गांव के एक व्यक्ति की लाश को गांव तक नहीं ले जाया जा सका। अंदुरानी इलाके के नदी नालों में बाढ़ आने से ग्रामीणों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। नदी में आई बाढ़ से आम ग्रामीणों सहित एम्बुलेंस में रखी लाश का रास्ता रोका गया। बीमारी से हुई मौत के बाद शव घर ले जाने के लिए कई घंटों तक परिजन नाव का इंतजार करते रहे। गांव जाकर घर से नाव लेकर आने के बाद शव जान जोखिम में डालकर नदी पार कराई गई। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने कहा कि झूठे आश्वासन से अब तक नदी पर पुल नहीं बन पाया है। आपका नाम क्या है? सुंदरराम हुसैन। कौन सा गांव का रहने जोर से? तो ये सब जो लाया गया कहाँ से? ये है मरवड्डा का है, लेकिन वो लेके गए थे कांकेर में, लेके कांकेर में खत्म हो गया, उसको वहाँ से लेके आए। तो अभी पार कैसे करेंगे इसको? पार करना है तो नाव से पार करना है। कितना देर तक यहाँ पे रुके? यहाँ तो कम से कम 3 घंटा से ज्यादा है, लेकिन पार नहीं हो पा रहा। पार नहीं हो पा रहा। ये परेशानी किस कारण पे हो रहा है? एक परेशानी तो हो रहा है, डब्ल्यूबीएमके वाले लोग क्या है, पुलिया नहीं बना रहे। बना रहे इसके लिए शासन प्रशासन को क्या कहना चाहते हैं? प्रशासन को तो काते काते तो हर गया कि ऐसे है, आज बनेगा कल बनेगा, इस साल कितना कितना साल से तो इसको पुलिया का सेंक्शन हो गया है बोलते हैं, लेकिन नहीं बना रहे।